खोज रहे थे कैसे कहां पकड़े किधर जाएं, फिर हमारे रिपोर्टर ने तय किया कि नहीं उसमें लिखवा दीजिए कि नहीं आना ही आना है, है ना। और आपके पास इसमें पशुपालन एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का सबसे चहेता डिपार्टमेंट है, और उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। तो मैं तो पहले आपके मुंह से सुन लूं, फिर अतुल बैठे हैं हम आपके, देखिए बाएं तरफ बहुत सारे सवाल लेके बैठे हैं, इनका खेत पूरा जो है गाय खा गई, बहुत चिंतित हैं कैसे उसका उपाय होगा, है ना। बहुत सारे सांड घूम रहे हैं अलग से, उसकी लिस्ट बना के लेके आए हैं, तो ये सारे सवाल आपसे पूछेंगे। लेकिन पहले आप अपनी उपलब्धियां बता दीजिए कि क्या क्या जो काम है वो आप लोगों के नेतृत्व में हो रहा है। बहुत सारे शेड्स बन रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे आप लोगों ने जो फैक्ट्रियां जब जो थी अवैध भूचड़ खाने वो सारे बंद कर दिए हैं, तो वो थोड़ा बता दीजिए, फिर हम लोग सवाल जवाब का काम शुरू करें। धन्यवाद अतुल जी को। एक मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जिसके खेत को गाय खा जाती है उसमें कम से कम दोगुनी पैदावार होती है। नहीं भाई अतुल जी, देखिए ऐसा है कि मंत्री जी ने कह दिया खा रही खाने दीजिए, पैदावार दोगुनी होगी, नहीं होगी तो मंत्री जी से ले जाइएगा, ये आप अपना पता आज ही नोट करा दीजिए। मेरे पास इस समय उत्तर प्रदेश में पशुधन विभाग, दुग्ध विभाग, मत्स्य की जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। पशुधन विभाग का सामाजिक दृष्टि, विकास की दृष्टि से और किसान की दोगुनी आय करने की दृष्टि से कृषि में सबसे ज्यादा महत्व है। बिना पशुधन के किसी भी कीमत पे किसान की दोगुनी आय नहीं हो सकती, क्योंकि अन्न के बाद दूध एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जिसे गाय और भैंस से हम लेते हैं, जो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, चाय पीने वाले से लेके कॉफ़ी पीने वाले तक, सभी के लिए आवश्यक होता है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए आज के जब जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, इसमें निश्चित रूप से पैदावार दोगुनी तीन गुनी नहीं हो सकती, उसमें पशुधन विभाग का किसान की आय बढ़ाने में और समाज को आर्थिक व्यवस्था से मजबूत करने में बहुत बड़ा हाथ है। हमने ये कोशिश की है, क्योंकि एक पूरे विश्वव्यापी महामारी है, इस विश्वव्यापी महामारी में हमारी विभाग के डॉक्टर्स ने इतनी बहादुरी से काम किया कि कोरोना के काल में भी उन्होंने पशुओं की बीमारी को, चाहे टीकाकरण हो और चाहे कहीं भी गौशालाओं का संरक्षण हो, उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या कोरोना से भयभीत होके किसी भी प्रकार की ढील हमारे विभाग ने नहीं दी। और दुग्ध विभाग की ओर से भी केवल एक ही बात कहना चाहूँगा मैं, चूंकि कोरोना के समय में जब लॉकडाउन था तो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता था, बच्चे बगैर दूध के नहीं रह सकते, बुजुर्ग बिना चाय के नहीं रह सकते, व्यक्ति बिना चाय के नहीं रह सकता था, कोरोना खंड काल में भी हमारे विभाग के लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा के बिना किसी झिझक के उन्होंने एक एक घर में दूध सप्लाई करने का काम किया, जिसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी ताली बजा के स्वागत करिए। ये तो देखने को मिला है कि एक एक घर में दूध मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोग फोन कर करके नीचे जब सोसाइटियों में रहते थे, या अगर आप गाँव की तरफ चले जाए तो वहाँ आपको दूध मिलता था, लोग पूछ के जाते थे कि भाई दूध चाहिए कि नहीं, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही बढ़िया जी। आगे और दुग्ध उत्पादन में भी पूरे देश में सबसे ज्यादा योगदान अकेले उत्तर प्रदेश का आता है। हम कोशिश कर रहे हैं पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए, खास तौर से अपने देसी गाय के नस्ल सुधार के लिए, क्योंकि पूरे विश्व ने ये बात मान ली है कि भारतवर्ष की जो देसी गाय हैं उनका दूध सर्वोत्तम है पूरे विश्व में,
इसलिए उनकी नस्ल सुधार के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको संरक्षण देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहाँ आवारा पशुधन की बात है गाय के संबंध में जी, इतना ही कहूँगा। आज के दिन लगभग 5 लाख गाय हमारे गौ संरक्षण केंद्रों में हैं। करीब 80,000 गाय हम लोग किसानों को उन्हें दे चुके हैं, जो किसान स्वेच्छा से ले गए हैं पालने के लिए। इस तरह से लगभग 6.25 लाख गाय हमारे सरकार के द्वारा आज भी पोषित की जा रही हैं। इसके अलावा जो गौशालाएं गौ सेवा आयोग में रजिस्टर्ड हैं, उनमें भी हमने जो बड़ी गौशालाएं हैं, जैसे माताजी गौशाला बरसाना है जहां 55,000 गाय हैं, उनको 6 करोड़ रुपए दिए। इसी तरह से अनेक गौशालाएं हैं जहां किसी को 3 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 1 करोड़, किसी को 50 लाख, किसी को 20 लाख। इस तरह से हमने गायों को, मतलब गाय अगर आदमी पाल ले तो कुछ ना कुछ आपसे धन मिल ही जाएगा, क्यों अतुल? ये गौ सेवा आयोग में जो सेवा करने के लिए है, तो ठीक है। लक्ष्मी राय जी, सवाल ये है, आपके पास जो विभाग है उसमें आपने जिक्र किया कि अलग अलग विभाग कैसे काम कर रहे हैं और क्लब करके आप लोगों ने इस कोरोना काल में उसका लाभ कैसे दिलाया है। कई चीजें उचित भी थी, व्यवहारिक थी और उसका हमने परिणाम देखा भी, जिसका अरविंद ने जिक्र किया। एनिमल हस्बेंड्री आप देखते हैं, फिशरीज आप देखते हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। आपने एक सवाल किया और आपने जवाब भी उसका दिया कि टीकाकरण हम करा रहे हैं जी। और राजनीति करने वाले आप पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं जी। अब यहां पर प्रश्न ये है कि हमारा विषय यहां पर दो है। एक कि आप अपने विभाग के जरिए उन तमाम प्रोडक्ट्स को लोकल से वोकल करने पर क्या कर रहे हैं, और दूसरा इतना वोकल करने के बावजूद 2022 का जब जिक्र होता है तो उधर से एक टीका टिप्पणी आती है कि जितना वोकल होना था हो चुका, अब कुछ नहीं होना है, आप टीकाकरण ही कराते रहिए। देखिए, जैसे मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन आवश्यक होता है, ऐसे ही राजनीतिक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए टीका तो टीका टिप्पणी तो आवश्यक है ही। और भारतवर्ष में जो विपक्ष हमेशा टीका टिप्पणी करता है, उसके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप, पूरा विश्व इस बात को मान चुका है, पूरा देश इस बात को मान चुका है, आप सब लोगों के सहयोग से जो ये कहा जा रहा है कि लोकल वोकल की बात, 21 तक कुछ नहीं होना है या जो होना था वो हो चुका, ऐसा नहीं है। देखिए, आदरणीय, वैसे यहाँ मंच दूसरी तरह से आपने लगाया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, एक हमारे देश की संस्कृति में है, एक हमने हमेशा आपदा को अवसर में बदला है जी। भगवान राम यदि 14 वर्ष के वनवास को गए तो उन्होंने उन 14 वर्षों को अवसर में बदल दिया, संतों के सत्संग में, तीर्थों के दर्शन में, और इसके अलावा उन्होंने राक्षसों के वध में जी। इसी तरह से आपदा को अवसर में वर्तमान में भी हमारी सरकार ने, हमारे विभागों ने, सबने आपदा को अवसर में, यही तो टीका टिप्पणी हो रही है कि आपने कोरोना को अपने लाभ के लिए अवसर में बदल दिया, ये आरोप भी आप, अब ये आरोप वो तो ये भी कह सकते हैं कोरोना को हम ही ले आए। नहीं, वो तो अब सिद्ध हो गया कि भाई वो चाइना ने किया था, उस पर वो आरोप आप पे नहीं लगेगा। अभी अलग बात है कि क्या बोलता है कि वो जरूर ये आरोप लगवा देते हैं। देखिए, किसान इस समय जैन चौधरी जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं जी, हैं जी। आप देखिए, उनका अभी शायद कल अभी फोन आया था कि भाई वो हम लोग का आंदोलन चल रहा है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे। अरे, हमने कहा कि करना तो आपने, हमें क्या करना है, हम तो खड़े रहेंगे भाई आंदोलन अगर होगा तो जी। सवाल इस बात का है मंत्री जी कि जो किसान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं किसान, आपने कहा कि भाई आपने 6.5-7 लाख गायों की व्यवस्था कर दी है, लेकिन 6.5-7 लाख गाय तो नहीं है ना, उनके साथ बैल भी तो हैं, उनका क्या होगा? देखिए, उनके लिए भी हमने अलग से गौशाला, जैसे उदाहरण के तौर पर आगरा में ही, जहां आप हम बैठे हैं, आगरा में ही आप जाके देख सकते हैं, एक हमने जो जितने अलग से एक गौशाला सांड की है और उसमें हजारों सांड आज भी मौजूद हैं। इस तरह हम अलग अलग गौशालाओं की व्यवस्था जो कर रहे हैं, उनको रखने की भी हम अलग से व्यवस्था कर तो रहे हैं। अभी मतलब पूरे प्रदेश में सांडों के लिए कितनी गौशाला है, मतलब कितने, हम उनको नाम तो आप ही लोग देंगे। खैर, मैंने अलग से बात
वैसे वो अन्य जो हमारी गौशालाएं हैं उनमें गाय और सांड दोनों ही रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन अलग से भी कुछ बनी है, जैसे अच्छा। आगरा में बनी है और जिलों में भी हमारे बनी है, तो उनका भी हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं उसको कहीं भी। देखिए, हमने जनता को ये समझाया है कि गौमूत्र और गौ के गोबर से सर, ये चाहे वो सांड हो चाहे गाय हो, उनके गौमूत्र से और गौ के गोबर से हमको इतना बड़ा लाभ है कि किसान एक गाय, केवल एक गौधन से किसान एक एकड़ की खेती बड़े आराम से बिना किसी लागत के कर सकता है। इसलिए अब आप लोग उसके लिए शायद पैसा भी दे रहे हैं, कुछ पैसा भी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं सर, जरा उसका उस पूरा विधि को बताइए कैसे। अगर जैसे मान लीजिए अतुल गाय अपने यहाँ पाल लें एक, है ना, उसके लिए तो ये आपसे कितने पैसे की डिमांड करेंगे? इसके लिए ऐसा है, 30 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से हम देते हैं। अच्छा, 30 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से हम देते हैं, 900 रुपए प्रति माह। अच्छा, 900 से ज्यादा नहीं देंगे? 900, देखिए आप भी जानते हो एक भारतवर्ष में श्री आदित्यनाथ योगी पहले ऐसे व्यक्ति हैं एक जिन्होंने गोधन के लिए सरकार से की ओर से व्यवस्था की, आज से पहले कभी ये व्यवस्था। और इसमें आप लोगों ने बंटवारा भी नहीं किया, आपने गाय के लिए सांड के लिए जो भी बनाया उसे गौशाला ही कहा, अलग से सांडशाला नहीं बनाई आपने, वहाँ पे आपने कोई मतलब बंटवारा नहीं किया। वो अवसर का इंतजार कर रहे हैं कि उसका नया नाम हम लोग क्या रखें। अब लक्ष्मी नाथ जी, मैं फिर से उस सवाल पर आता हूँ कि ये जो विषय है वो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आम अगर हम देखें है जीवन का हिस्सा, ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बड़ा लंबा गैप आ गया था इन चीजों से, लोग या तो अलग हो गए थे, विरक्त हो गए थे, या उनके पास अवसर ही नहीं था। अब यहां पर अगर आप पर जिम्मेदारी है कि इस महकमे को और विस्तारित आप करें और इससे जुड़े जो प्रोडक्ट हैं उसको लोकल से वोकल बनाए, तो उस पर आपने अपने महकमे के जरिए क्या किया है, जो कि पूरे प्रदेश के लिए, चूंकि आप प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे मंत्री के तौर पर, तो उसको आपने कैसे कहा है कि अलग अलग सेगमेंट में कहीं पर वो गाय से जुड़े कुछ प्रोडक्ट हैं, वो गौमूत्र से लेकर दूध से लेकर पनीर तक हो, या फिर फिशरीज आप देखते हैं तो वो मछली के अंडे से लेकर हो या मछली तक हो, बहुत सारी चीजें, तो कैसे उसको आप लोग सेगमेंटाइज कर रहे हैं? देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 26 टन मछली प्रतिदिन बाहर से आती है जी। और अच्छा। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत कम तालाब थे, जो ग्राम सभाओं के तालाब थे उन्हीं तालाबों से मत्स्य पालन हो रहा था। 330 तालाब हमारे विभाग के थे जी, जिनसे मत्स्य पालन। अब जो योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से दी जी, इसका एक नतीजा ये निकला, कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम 20-30 तालाब, 40 तालाब नए न बने हों। हजारों तालाब हमने नए बना दिए, और कोविड काल में इसमें मनरेगा से रोजगार देने के लिए, और उनमें मछलियां पल रही हैं जी, मछली पलनी, मत्स्य पालन शुरू हो गया। और एक तालाब के जहां मत्स्य पालन हो रहा है, एक तालाब से कम 100 आदमी को रोजगार मिलता है। 100 आदमी को, कम से कम 100 आदमी को रोजगार मिलता है, चाहे वो मत्स्य के निकालने से लेके और अंत में होटल तक, जहां तक भी मछली जाती है जी, वहां तक उनको रोजगार मिलता है। हमने ये भी अभी योजना शुरू की है सरकार की ओर से, एक उन्हें वाहन और उनको मछलियों को जस्ट लाइक कोल्ड स्टोर, छोटे जी, जिससे वो खराब ना हो। तो इससे एक हमारे नौजवान में बहुत आकर्षण बढ़ा है। और जैसे मैं उदाहरण दे दूं कि हमारा एक गांव है कामर, मथुरा जिले में जी, अकेले कामर में अभी 25 तालाब बने हैं एक गांव में मात्र। तो क्या तालाब बनाने के लिए भी आप कुछ दे रहे हैं? तालाब बनाने के लिए हम 60% अनुदान देते हैं महिलाओं को और अनुसूचित जाति को जी, 40% प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं, चाहे वो सामान्य हो कोई भी जाति का हो। तो लाभ की इच्छा पूरी हो सकती है जो मछली पालन की थी, तो महिलाओं के लिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है, तो अब आपको तो फिर स्वाभाविक किसी को आगे, भाई वो तो महिला सशक्तिकरण का काम ही ये लोग कर रहे हैं। ये तो श्रद्धेय विवेकानंद जी ने कहा था, किसी भी देश की प्रगति में 50% महिलाओं का योगदान होता है, वही देश विकास कर सकता है। ये आप लोगों ने जब कॉन्सेप्ट लिया, और इसी को मैं जानता हूँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो क्या इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई? आपने महिलाओं को इसमें एड ऑन किया है, और आप उनको कितनी महिलाएं, कितने लोगों को रोजगार, बहुत अच्छी बढ़ोतरी। मैं यही मैं आपसे अनुरोध कर रहा था, अभी हमारे कम से कम 1200 तालाब खुदे हैं जी, और जिनमें लगभग 400 तालाब, 300-400 तालाब महिलाओं के हैं।
और वो महिलाएं हैं बड़ी सक्रियता से काम कर रही हैं, जहां दूध का पालन का सवाल डेयरी के द्वारा भी हमने एक अभी महिला डेयरी शाहजहांपुर में बनाई है। अच्छा, महिला डेयरी जिसमें, हाँ बहुत बढ़िया, महिला उसका क्या कॉन्सेप्ट है जरा बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें जितनी हमारी सदस्य हैं वो सब महिलाएं हैं, जो भी उसमें वर्कर हैं वो सब महिलाएं हैं। अच्छा। दूध बाहर, हाँ दूध बाहर से आता है, सभी महिलाएं काम करती हैं उसमें। कारण ये है, एक देखिए, मनुष्य व्यक्ति तो पैसा आता है, वो अनेक चीजों में, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशेबाजी कर रहा है, लेकिन महिलाएं, जी जी, महिलाएं हमेशा बचत से बचत जरूर करती हैं जी, इसलिए, और महिलाओं को रोजगार का अवसर मिले इसलिए हमने, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि शाहजहांपुर में एक डेयरी बन स्थापना की है, जहाँ समस्त महिलाएं हैं, पुरुष कोई नहीं है, के द्वारा पैसा जाता है। इसी तरह से हमने गाय के दूध के वृद्धि के लिए भी अभी कन्नौज में एक डेयरी बनाई है, जहां गाय के दूध से ही घी बनेगा और गाय के दूध का ही काम होगा, वहां 1,00,000 लीटर की उसकी क्षमता है। तो हम ये पहली बार इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, एक जिससे महिलाओं को रोजगार मिले और गौ की तरफ भी, क्योंकि गौ हमारी भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी वृद्धि के लिए भी हमने ये काम किया है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता था, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे पशुपालन हो, उत्पादन हो, ठीक है, इन सब से। अब इसमें एक सवाल, जो कि एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट भी जानना चाहेगा, जो कि उसकी पढ़ाई करता है, जो कृषि कर रहा है में है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री से या डेयरी से जुड़ा है, उसका सबका अलग विषय होता है। क्या आप लोगों ने इस तरह का कोई प्रयोग करना शुरू किया, जो बहुत लंबे समय की डिमांड थी, एक चेन सी बनती है कि आप गौ पालन करें, वहां से दूध भी होगा, वहां से खाद भी होगी, खाद का इस्तेमाल आप दो जगहों पर कर सकते हैं, एक आप वहीं पर एक तालाब खोदें, वहां पर आप मछली पालन करें, उससे उनको भी लाभ होगा, या फिर उस खाद का इस्तेमाल आप में कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर तमाम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी जो कि इसके विशेषज्ञ रहे हैं, और लंबे समय से इस पर मांग उठती रही अलग अलग राज्यों में और देश में। क्या आपने, आपके महकमे ने संबंधित कोई भी ऐसा प्रयोग किया है, एक भी, जिसको आप उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करें या भविष्य में करने वाले हैं? देखिए ऐसा है, हमने जैविक खेती का प्रचार किया है जी। सौभाग्य से मुझे 5 साल इस प्रदेश में कृषि मंत्रालय भी देखने का मौका मिला है। हमने जैविक खेती का प्रचार प्रसार किया, और जैविक खेती केवल गाय और भैंस के द्वारा गोबर और गौमूत्र से ही हो सकती है जी। निश्चित रूप से एक प्रयोग हुआ है मथुरा में, तालाब हैं और उन उसमें बहुत खारी पानी, उसमें झींगा मछली पल रही है, और उसमें गाय के गोबर से मछलियों को खाना दाना दिया जाता है जी। दूसरे नंबर, हमने ये व्यापक रूप से, इसमें हमने सब्सिडी भी दी है, सरकार की ओर से सब्सिडी है, एक उनका गौमूत्र से और गौ के गोबर से, वो जैसे उदाहरण के तौर पे गौमूत्र, गाय का गोबर होता है, उसमें मिट्टी, पेड़ के नीचे की मिट्टी मिलाई जाती है, उसमें कुछ नीम की पत्ती डाली जाती हैं, और फिर गौमूत्र डाला जाता है जी, और 10 दिन के बाद यदि उसे हम खेत में डालें तो हमें यूरिया की और उसकी किसी की कोई जरूरत नहीं रहती जी। ये प्रयोग हमने बड़े पैमाने पे, क्या प्रदेश स्तर पर है ये प्रयोग? प्रदेश स्तर पे है, पूरे प्रदेश स्तर पे है, और जो सामाजिक संगठन है वो भी हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं जी। सामाजिक संगठन भी हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं, इस प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे हैं, और आपको जान के ये प्रसन्नता होगी, एक आज जैविक खेती हमारे प्रदेश में भी कम से कम 15-20% तक पहुंच गई है जी। और उम्मीद ये है हमें, जिस तरह से जैविक खेती का प्रचार किया जा रहा है, देखिए किसान की दोगुनी आमदनी तभी हो सकती है जब खेती पर लागत कम हो और पैदावार ज्यादा हो। बिल्कुल, जिस तरीके से एक सवाल मैं भी मंत्री साहब से लेना चाहूंगी, क्योंकि क्या कुछ काम हुए और विजन आगे क्या कुछ रहेगा, इस पर तो सिलसिला अरविंद जी और अतिल जी के साथ जारी, लेकिन एक पॉलिटिकल सवाल लेना चाहूंगी। हाल ही में जून के महीने में एक इंटरव्यू आपने निजी संस्थान को दिया था, जिसमें आपने कहा था कि गाय और गंगा
भारत की आइडेंटिटी है, और जिस तरीके से काम जैसा आप कर रहे हैं गायों के संरक्षण को लेकर या फिर किसान को लेकर, मत्स्य पालन को लेकर, लेकिन ये जो बयान सामने आया, गाय, गंगा और गीता भारत की आइडेंटिटी है और इसी ने भारत को विश्वगुरु भी बनाया है, ऐसे में विपक्ष कहां पीछे हटने वाला था? विपक्ष ने भी साफ कह दिया कि यहां भी आपकी सरकार, आपकी पार्टी आपदा में अवसर तलाश रही है, काम के बहाने आपने रिलीजन को टारगेट किया है। देखिए, बुद्धिमान आदमी तो हमेशा कोई ना कोई नया आविष्कार करता ही है, तो यदि आपदा में अवसर हम तलाश रहे हैं तो ये तो बुद्धि का परिणाम है। लेकिन ये विपक्षी मान नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि सब आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। विपक्षी तो ये भी कहते हैं कि राम कल्पना की चीज है, राम कोई है ही नहीं। विपक्षी ने तो ये भी बयान दिए हैं, तो अब इसका कोई इलाज नहीं। मैं आज भी इस पे कायम हूं, गाय, गीता, गंगा, इनकी जब पूजा देश में हुई तभी ये देश विश्वगुरु था। और आज भी जब से गाय, गंगा और गीता का महत्व जनता समझने लगी है, तभी से भारतवर्ष पुनः विश्व स्तर पे अपना स्थान प्राप्त कर रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। ये तो वैज्ञानिक कह रहे हैं, एक माँ के दूध के अलावा गाय का दूध ही सर्वोत्तम है जी। अच्छा, विधायक जी ये बताइए मुझे, पहले आप विधायक है फिर मंत्री है, आपके पास बहुत सारे किसान आते होंगे, बड़ी सारी शिकायतें लेके आते होंगे। जैसे आपने बताया कि भाई अतुल को आपने सलाह दी थी कि अगर गाय खेत चर ले तो समझ लीजिए कि डबल उपजा इसके अतुल के यहाँ पैदा हो जाएगा, पैदावार है ना जी। तो कैसे किसान मान जाते हैं आपकी बातों से? ये तो एक प्रैक्टिकल है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं जब हमारे खेत को गाय चर गई तो यही हमारा एक भतीजा भी बैठा है, मैंने उससे कहा है एक भाई ये रखवाली इन्होंने की नहीं, ये कैसे चर गई गाय? इन्होंने कहा गाय के चरने के बाद तो दुगनी पैदावार होती है। मैंने तो अपने जीवन में इतनी पैदावार अपने खेत में कभी नहीं देखी जितनी उस बार हुई। तो हम ब्रेकिंग चला दें कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी से लेकर मंत्री तक के खेत गाय चर जाते हैं। मैं ब्रेकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति की धारणा बदलनी चाहिए। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए एक भगवान भाई मंत्री जी ने कह दिया कि गाय अगर चर जाए, मतलब कुछ लोग तो खुद ही चरा देंगे कि भाई डबल उपजाओ, अगर पैदावार नहीं हुई तो फिर आप ही से लेंगे, ये भी आप जान लीजिए। आपदा को अवसर में बदल लेंगे। नहीं तो आपदा को अवसर में बदल लेंगे। आप भी तो अच्छी तरह से देख रहे हैं, विपक्ष गाय गाय हल्ला कर रहा है जी। प्रतिवर्ष हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ रही है भैया, तो एक बार भी पैदावार कहीं कम नहीं हुई, हर फसल बढ़ी है। गन्ना बढ़ा है, गेहूं बढ़ा है, दलहन तिलहन बढ़ा है। तो यदि गाय से नुकसान होता तो पैदावार कैसे बढ़ जाती है? तो अब मंत्री जी सवाल थोड़ा सा इसको मैं पॉलिटिकल पर ले जाऊंगा, क्योंकि लोकल से वोकल आपका मंत्रालय, आपकी सरकार, उसका काम, उसकी जिम्मेदारी, उसमें गाय भी है, गोबर भी है, गौमूत्र भी है और बहुत सारे और प्रोडक्ट भी है। राहुल गांधी ने गड्ढे खुदवाए थे, मैं यूपीए गवर्नमेंट के जाते जाते समय की बात कर रहा हूँ, बुंदेलखंड में दो दो फीट के गड्ढे थे, शायद सरकार बन जाती ऐसी उम्मीद की जा रही थी, नहीं बन पाई और हश्र क्या हुआ पता है। आप लोग तालाब खुदवा रहे हैं जी, तो मतलब तालाब से काम चल जाएगा 22 में या फिर कुछ और करना पड़ेगा? देखो, उन्होंने तो जिंदगी में गड्ढे ही खुदवाए, हमने तो गड्ढा मुक्त किया है। भाई मंत्री जी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, जो गड्ढा खुदवाएगा हम उसको उस गड्ढे में डाल देंगे, बाकी और कुछ है नहीं। तो कैसे 22 का सपना कैसे आप पूरा करेंगे? खुद का मंत्रालय नहीं, चूंकि आप पूरे सरकार को प्रतिनिधित्व देते हैं एक तरीके से, अपने मंत्रालय के जरिए और उस सरकार का आप हिस्सा, बड़ा अहम विभाग और बहुत अहम विभाग आपके पास है। देखिए, 22 के स्वप्न को पूरा करने के लिए मैंने आपको बताया था, लगातार दुग्ध उत्पादन में हम वृद्धि कर रहे हैं जी, लगातार मत्स्य पालन में हम वृद्धि कर रहे हैं, लगातार हम किसान की दोगुनी आय करने के लिए, खेती पे लागत कम करने के लिए जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे 2022 का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और ईश्वर की कृपा है, मैं इसे ईश्वर की कृपा कहूँगा, एक विश्वव्यापी महामारी के बाद भी पशुओं में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई। विश्वव्यापी महामारी के बाद भी सबसे कम यदि कोरोना का कहीं प्रभाव है तो किसानों में है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये ईश्वर की कृपा। बिल्कुल मंत्री जी, जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा 2022 तक, चूंकि अतुल जी ने जैसा कहा कि फिलहाल न सिर्फ एक मंत्रालय बल्कि पूरी सरकार का प्रतिनिधित्व इस वक्त आप हमारे सामने कर रहे हैं, चूंकि आपने कहा कि आप किसान की, मैं सुन रही हूँ आपको बहुत ध्यान से, कि किसान खेती कर रहा है, फसल की तादाद बढ़ रही है, लेकिन कोरोना काल में हमने देखा बहुत से किसान ऐसे हैं, रूरल एरिया में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे जो पशुपालन करते हैं, उनकी आजीविका का सर स्रोत ही वही है, दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, घी बेचते हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान मनुष्य को एक के लिए राशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने पशुओं को यूं ही छोड़ दिया। अब उनके संरक्षण के लिए तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनकी आजीविका के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, साथ ही अल्टरनेटिव क्या कुछ तलाशे जा रहे हैं, क्या उनको उनके पशु लौटाए जाएंगे किसी प्रकार से, या फिर कोई और ऐसी कोई स्कीम आपको दिया बनाई है जिनके जानवर मर गए हैं? देखिए ऐसा है, ये जानवर मरने की तो हमारा लगभग 5% हमारे रेशियो होता है, कोरोना खंड काल में हमारा 5% से भी कम रहा है, ये ईश्वर की कृपा है। जहाँ मृतक की बात है, जिन्होंने भैंस तो किसी ने छोड़ी नहीं, गाय यदि किसी ने छोड़ी है तो मैंने अभी आपको बताया कि 80,000 गाय किसान हमारी गौशालाओं से ले जा चुके हैं। 80,000 गाय ये मुफ्त उनको मिल रही है? हाँ मुफ्त, मुफ्त मिलने के साथ साथ हम उन्हें 900 रुपए प्रतिमाह और दे रहे हैं। अगर तुम्हें ले जाना हो 10 गाय, मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, मेरे दादाजी बहुत पशुपालन करते हैं। हाँ, नहीं, तो एकदम ले जाएं आके। उसमें हम 30 रुपए प्रति दिन प्रति गाय खाने के लिए देते भी हैं। मतलब एक गाय को 900 रुपए महीना भी मिलेगा। बिल्कुल, समस्या यही थी अरविंद जी की, खुद के खाने के लिए इंसान के पास नहीं था राशन, जानवरों को क्या खिलाते हैं, खुद के खाने के लिए तो 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है 9 महीने। ये हिंदुस्तान जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो मत्स्य पालन होता है, अभी हम लोग देख रहे थे एक खबर हमारे आई थी, उत्तराखंड की कोई विधायक थी, यही रहती थी कहाँ, सहारनपुर के आसपास, उनकी मछली चोरी हो गई थी और उसकी FIR दर्ज हो गई। तो खबर में मेरा इसलिए, क्योंकि जब आजम खान की भैंस चोरी हुई तो पूरे सारे लोगों ने उसको खोजा, अब फिर हमने कहा कि यार मछली कहाँ से मिलेगी अगर चोरी हो गई है, तो ये तो कैसे निकलेगी? आपके पास इस तरह की शिकायतें आती है क्या? क्योंकि बहुत ये बड़ा कठिन काम है, लोग जाते हैं कटिया लगा के मछली मार लेते हैं, उसकी वजह से कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जाल फेंक के मछली निकाल लेते हैं, मछली के तालाब में वो जहर डाल देते हैं, बड़ी सारी समस्याएं रहती हैं, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है मैं समझता हूँ गाँव में। देखिए अपराध जब से ये सृष्टि पैदा हुई है तब से रहा है, कभी अपराध बढ़ता है कभी घटता है, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हमेशा ये रहा है। ये बात देखी जाती है कि अपराधी को दंड देने की मंशा शासक की है या उनको सपोर्ट करने की है। मतलब आप मान रहे हैं ना, राम राज्य में भी अपराध है? हमेशा हुआ है, राम राज्य में अपराध नहीं था, सीता जी का अपहरण कैसे हो गया? अपराध नहीं, सीता जी का अपहरण कैसे हो गया? अब तो राम मंदिर बनने के लिए सब कुछ हो गया, अब अपराध तो खत्म हो जाना चाहिए मंत्री जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना, कोई चीज खत्म तो कभी होती ही नहीं है, ये तो थोड़ी बहुत तो हर चीज रहती है हमेशा। तो मैं इस तरह के, आपके पास केसेस आते हैं कब? मतलब बहुत सारे जगहों पे आप जाते होंगे, मेरे मन में इसलिए क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, तो इस तरह की बड़ी समस्याएं रोज लोग कहते रहते हैं कि अरे सर मेरे तालाब में से मछली चुरा ले गए, तो इस तरह की बड़ी सारी समस्याएं आपके पास आती होंगी, तो इसके लिए कोई विकल्प है क्या, क्योंकि आप इसको आजीविका में बदल रहे हैं? देखिए अब मैं, हमने तो इंतजाम नहीं किया इस टाइप का जी। लेकिन मैंने स्वयं देखा एक, अभी हमारे एक कई तालाबों पे जो मत्स्य पालन कर रहे हैं उन्होंने वो लगा रखे कैमरे। अच्छा कैमरे लगा दिए? कैमरे लगा दिए मैंने। और एक बड़ी अच्छी बात ये बताऊंगा आपको, एक दो व्यक्ति एक आदमी में गोली मार रहे थे और उसके पीछे भाग रहे थे और वो उस तालाब के पास पहुंच गया, वो लौट गए, फायरिंग की उन्होंने, उनको नहीं लगी, चेहरा आ गया उसमें, वो चेहरा आ गया और अपराधी पकड़ा गया। तो अतुल सोच लो मछली पालन से कितना बड़ा फायदा हो गया, वहां कैमरे लगने से अपराधी पकड़े जा रहे हैं, मछली चोरी बच रही है। ठीक है, अब यहाँ पर पर्टिकुलर जब मछली की बात हो रही है, मैं फिर से उस प्रोडक्ट सरकार और सरकार के साथ चुनावी मोड में अब जाने वाली है, तो मैं बात को ले जाता हूँ।
कुछ जो लोकल हमारी फिशरीज के प्रोडक्ट यहाँ पर थे, जो उसका उत्तर प्रदेश के तौर पर उनकी पहचान थी कि यहाँ से, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके व्यापार के लिए देश स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि उनका कैसे आयात निर्यात का वो सिलसिला शुरू हो पाए और टाइम बाउंड तरीके से पूरी सुविधा के साथ, जैसा आपने जिक्र किया कि हम छोटे छोटे वो कोल्ड स्टोरेज भी बना रहे हैं या इस तरीके की व्यवस्था हम कर रहे हैं, उस पर कितना आप काम कर पाए? क्योंकि मैं कई बार आपसे इस पर चर्चा कर चुका हूँ, उसके पहले कोरोना काल में भी हम जुड़ते थे, उसके पहले भी हमने आपसे बात की थी, चुनौतियां बढ़ गई थी, लेकिन आपने कहा हम अनवरत इस पर काम कर रहे हैं, तो उसका कुछ टारगेट है क्या? क्योंकि अभी सरकार ने कहा हम फिल्म सिटी बनाएंगे और फिल्म सिटी के लिए टारगेट तय किया है, मछली के व्यापार के लिए, किसान के भलाई के लिए, उस सारी चीजों को जोड़ने के लिए भी कोई टारगेट सेट किया है? हाँ, हमने ये टारगेट सेट किया है, जहां मत्स्य पालन और इनके एक्सपोर्ट का सवाल है, आपको जान के ये प्रसन्नता होगी, कोरोना खंडकाल से पहले पिछली साल 14,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल उत्तर प्रदेश सरकार का मछली से आमदनी हुई जी। 14,000 करोड़ उत्तर प्रदेश का कितना योगदान था उसमें? मीट और मछली दोनों दोनों मिला के अकेले उत्तर प्रदेश की, अच्छा 14,000 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश से जो मीट एक्सपोर्ट हुआ और मछली एक्सपोर्ट हुई, उसमें 14,000 करोड़ की आय सरकार की हुई थी, इतने का एक्सपोर्ट। तो अब इस बार कितने का टारगेट है आपका? अब चूंक कोरोना से निश्चित रूप से थोड़ा प्रभाव तो हुआ ही है जी, लेकिन अब भी हमने उसको बढ़ाने के लिए, चूंकि इस दौरान हमने जितने स्लॉटर हाउस थे वो बंद किए, सारे बंद कर दिए आपने, अब स्लॉटर हाउस बंद होने से मीट एक्सपोर्ट में कमी आई, इसलिए अब के देखिए प्रयास जो हमारा था वो तो हमारा पहले 18,000 करोड़ का था लक्ष्य, लेकिन इससे अब प्रभावित तो हुआ है, बड़े पैमाने पे प्रभावित हुआ है स्लॉटर हाउस बंद होने से, क्योंकि जनता में एक धारणा भी बन गई थी क्योंकि मीट से फैला ये है वो इस तरह की, तो इसलिए बंद करना पड़ा, लेकिन फिर भी अब के मीट एक्सपोर्ट में यदि हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन मत्स्य पालन में हम मत्स्य एक्सपोर्ट में जरूर पहले से काफ़ी आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये मंत्री जी, एक सवाल मेरे मन में ये था कि बहुत सारी बड़ी चर्चित मछलियाँ होती हैं, बड़ी महंगी होती हैं, उसके नाम मेरे जवान पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगी होती हैं अगर आप जाएं तो क्या कोई ऐसी योजना आपके पास है जो मछलियाँ विदेश में भेजी जाएं या जो हम विदेश से इम्पोर्ट करते हों, देखिए उसको यहाँ हम पालें, ऐसी कोई इकोसिस्टम ऐसा कुछ बनाया जाए? एक अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के और हमारे विभाग ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, अब तक जितनी ऊसर जमीन है और खारी पानी है, जैसे वो खास तौर से आगरा मथुरा में बहुत है जी, उसमें कोई पैदावार तो होती नहीं, वहां तालाब खोद के पिछली साल से हमारे विभाग ने झींगा मछली का पालन शुरू किया और वो इतना सफल हुआ है, अच्छा बहुत अच्छा सफल हुआ है, खारी पानी ऊसर जमीन और उस खारी पानी से ही झींगा मछली बहुत अच्छी मानी जाती है जी, और बहुत बहुत महंगी भी होती है जी, उसके पालन उन पालन के लिए तालाब, अब उसी झींगा मछली के पालन के लिए ही तालाबों में बहुत वृद्धि हुई है जी, जहां खारी पानी है, तो इसलिए और नौजवान खास तौर से मैंने पहले बताया एक अब के तो खैर कुछ ऐसा हो गया, लेकिन मत्स्य पालन वाले जो लोग थे और खास तौर से मुर्गी पालन वाले लोग थे, शुरू में मुर्गी पालन वाले लोगों को बड़ा घाटा हुआ, अच्छा क्योंकि वो एक भ्रम फैल गया था ना, एक जी जी फ्लू, लेकिन इसके बाद अंडे की बिक्री और मत्स्य बिक्री, जब स्लॉटर हाउस बंद हो गए तो जो मछली जो मछली 60 रुपए किलो बिका करती थी वो 300 रुपए किलो तक बिक गई जी। लक्ष्मण जी, इसी में मैं सवाल जोड़ रहा हूं, हुआ जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, झींगा का आपने जिक्र किया यहां पर कि उसको हमने प्रयोग में लाया तो उसका एक परिणाम भी मिला, जो कई प्रजातियां हैं जिसमें रोहू भाकुर आमतौर पर, मांगुर जो कि देसी एक मछली हमारे यहाँ की थी, उसका मैंने पिछले कई सालों से अगर रिसर्च करके देखा तो चाइनीज मांगुर ने मार्केट पकड़ लिया, और चाइनीज मांगुर को जो खिलाया जाता है
उसको अगर हम खुद खाएंगे, क्योंकि उसको मांस ज्यादा खिलाया जाता है और बड़ी तेजी से वृद्धि होती है, और फिर वो इंसान खाने लगता है उस मांगुर को, क्योंकि वो ग्रोथ तेजी से हो जाती है, तो लोगों ने उसको पालना शुरू कर दिया, वो अपने आप में बहुत नुकसानदेह है बॉडी के लिए। क्या उस पर आपने काम किया? और जैसा अरविंद ने जिक्र किया, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं, बंगाल में एक भोला प्रजाति है और उसकी एक मछली एक महिला के हाथ लग गई, उसको 3 लाख से ऊपर की आमदनी हो गई एक मछली से, उसके अलावा सवाना मछली है। तो क्या ये कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आप फोकस कर रहे हैं? और यही मैं लोकल से वोकल जोड़ रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो अलग विषय हो जाते हैं, लेकिन हाँ, जब तक आपके पास मंत्रालय आपकी सरकार के रहते, वहां पर वो प्रोडक्ट उभर जाएंगे तो आगे की सरकारों में भी शायद उस पर काम होता रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से मैंने बताया आपको, अब तक जो हमारी देशी मछली हुआ करती थी जी, उसका पालन ही ये हमारे तालाबों में हुआ करता था। हमने जिस तरह से झींगा मछली का उत्पादन शुरू किया, और इसी तरह से अभी जापान के कोलोबोरेशन से जी, हमने लखनऊ में मछली, वहाँ की जो महंगी मछलियाँ इंटरनेशनल मार्केट की जी, उनका पालन लखनऊ में जापानी जो उससे टेक्निक से प्रारंभ किया है जी, और उनसे हमारा ये पैक्ट भी हुआ है। एक वो 3 साल तक जो टेक्निक से जो वहाँ उत्पादन से लाभ होगा वो लेंगे, और 3 साल के बाद वो अपनी टेक्निक हमको हैंड ओवर करेंगे। तो इस तरह से हम ये प्रयास कर रहे हैं, एक जो भी दुनिया की सबसे महंगी मछली है उनका उत्पादन भी हम अपने प्रदेश में। सेंट्रल से इसमें कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री को हम सुनते हैं तो वो कई बार छोटी छोटी ऐसी चीजें बताते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत हास्यास्पद लोग तरीके से उसको रखते हैं, कभी वो नाले से गैस वाली बात या फिर जो भी ऑक्सीजन वाली बात, हालांकि उसको अगर हम व्यवहारिक तौर पर जाकर देखें तो वो आने वाले भविष्य के लिए वही सब चीजें हैं, छोटे छोटे देश उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें आप लोगों का उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ अपने जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसमें केंद्र से आप कितना कनेक्शन ले रहे हैं या कितना उधर से आपको एड ऑन मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, पहले एक तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा इसके लिए, एक पहली बार उन्होंने ये पशुधन विभाग और मत्स्य विभाग मिला के जी एक विभाग अलग से केंद्र में स्थापित, बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार हुआ। और 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने मत्स्य पालन के लिए अलग से फंड दिया, जिसमें नीली क्रांति का नाम ही उन्होंने दिया। तो एक जिस तरह से पहले व्हाइट रेवोल्यूशन का हुआ एग्रीकल्चर के संबंध में हुआ, इसी तरह ब्लू रेवोल्यूशन का जो नाम उन्होंने दिया, क्रांति के बाद अब नीली क्रांति, नीली क्रांति के लिए जो उन्होंने दिया है। और इसमें उत्तर प्रदेश के लिए तो आप स्वयं इस बात को जानते ही हैं, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को अनेक पायदानों पर पूरे देश में प्रथम स्थान पर रख दिया है। इसी तरह से इसमें भी वो बिहार और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जी। और पहली बार मत्स्य के बारे में इतनी बड़े पैमाने पे हम लोगों ने इतने लोगों को रोजगार मिलना, इसलिए पूरा केंद्र का सहयोग है। मकान बनाने के लिए भी केंद्र ने पैसा दिया है जी। जो मत्स्य पालक हैं उनके मकान बनाने के लिए पैसा दिया है, मोटरसाइकिल के लिए पैसा दिया है, उन्हें कोल्ड स्टोर, छोटे कोल्ड स्टोर मछली रखने के लिए उनके लिए पैसा दिया है। अब खाली एक ही चीज बच गई, तेल के लिए पैसा देना बाकी है, बाकी तो सब कुछ दे ही दिया है। क्यों ना एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। हाथरस में इतना बड़ा बवाल हो गया, पूरे देश में चर्चा हो गई, मंत्री जी सवाल उठाने लगे, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने लगे, आपको क्या लगता है कहां चूक हो रही है, कौन राजनीति कर रहा है? अभी तो गाय गंगा और गीता की बात हो रही थी, अब बीच में हाथरस कहां? तो आप ही ने कहा ना कि ये तो असुर हमेशा रहते हैं, सावन राज्य में भी है, सावन के महीने में फागुन की होली अच्छी थोड़ी लगती है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि राजनीति एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी त्योहार मना लेते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए अरविंद जी, फागुन की होली उतनी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बिना रंगों के जीवन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। हाँ। इसलिए सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, हालांकि जवाब आप शायद देना नहीं चाह रहे, लेकिन एक सवाल मेरे पास भी है, क्योंकि एक युवा तबके से मैं भी आती हूँ, प्रोफेशन एग्रीकल्चर के तौर पर प्रोफेशन जो होता है वो लेने से पहले एक युवा 100 बार आज के समय में सोचता है, क्योंकि आज 2020 में हमें एक्साइट करने के लिए सर बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं, लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, लेकिन कोई एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जाना चाहता है। मुसीबत यह है कि तस्वीर सबके सामने है, एक युवा के तौर में मैं किसान को परेशान होता हुआ देख रही हूँ, आप इशारा समझ रहे होंगे किस तरफ कर रही हूँ,
प्रोफेशन के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन सरकार कैसे सेट करेगी? अगर मैं चाहूं भविष्य में एग्रीकल्चर परस्यू करना, एक इंस्पिरेशन कहां से लाऊंगी मैं? देखिए ऐसा है मैडम, हमारे देश में संस्कृति थी उत्तम खेती मध्यपान निषिद्ध चाकरी भीख निदान, आज ये ठीक उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हुआ? इसलिए उल्टा हुआ कि देश गुलाम रहा सदियों, और उसके बाद जिनके हाथ में बागडोर आई वो उन जिन्होंने देश को गुलाम बना के रखा वो उनसे भी बड़े निकल गए। उन्होंने खेती की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। जिस किसान को भगवान का नाम दिया गया, जिस अन्न को भगवान का नाम दिया गया, जिसको अन्नदाता कहा गया, उसकी कीमत किसी ने नहीं जानी। इसलिए ये स्थिति आज आ गई एक जिस पे एक बीघा जमीन ना हो, केवल फोर्थ क्लास का चपरासी हो, और एक व्यक्ति है जिस पे 10 एकड़ जमीन हो, यदि शादी करेगा तो चपरासी के लिए करेगा, फोर्थ क्लास वाले को 10 एकड़ वाले जमीन के लिए नहीं करेगा। ये केवल यदि हमारी गुलामी का कारण रहा या जिनके हाथ में भारत का भाग्य रहा, जो भारत के भाग्य विधाता थे आजादी के बाद, उनकी वजह से ये किसान की स्थिति हुई। अब किसान की स्थिति धीरे धीरे अप होती जा रही है, ऊपर आ रही है। इसलिए ही ये जितना भी चाहे पशुपालन पे जोर दिया जा रहा है, चाहे और चीजों पे, कारण मंत्री जी बहुत होते हैं, लेकिन एक सुखी जीवन का उद्देश्य यही होता है कि हम वर्तमान में जिए, क्योंकि वर्तमान में आपकी सरकार, इसलिए उम्मीद भी लगातार आप ही से लगाएंगे। नहीं, इसीलिए इन्होंने कहा कि अब तुम प्रोफेशन बना सकती हो। मछली पालन बता दिया इन्होंने, दुग्ध पालन बता दिया, गाय पालन के लिए सीधे 900 रुपए दे रहे हैं गाय के लिए। एक जर्नलिस्ट के तौर पर आए दिन तस्वीरें मैं देखती हूँ, शायद वो तस्वीरें आम जनता तक उतनी तादादी के साथ ना पहुंच पाए, लेकिन मैं उन्हें बहुत करीब से देखती हूँ, तो मेरे लिए अरविंद जी सोचने में थोड़ा समय नहीं, एकदम इन्होंने सारे विकल्प तुम्हारे लिए दे दिए भाई, कि मछली पालन, गाय पालन, और मतलब इतने सारे विकल्प दे दिए कि तुम्हें कहीं मतलब में महिलाओं का भी उन्होंने जरूरत दी, महिलाओं को लोन भी देने की बात कह दी, डेयरी में महिलाएं काम कर रही हैं, मकान भी दे रहे हैं, मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल दे रहे हैं। लक्ष्मीनारायण जी, अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा और व्यापक कर दूंगा, क्योंकि अभी पंजाब से लेकर हरियाणा और खासतौर से इन दो राज्यों में जो नए कानून आए, किसान बिल की मैं बात कर रहा हूँ जी, उसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। मंडी खत्म हो जाएगी, MSP पर गारंटी सरकार नहीं दे रही है, ये सारे विषय चल रहे हैं, लेकिन इसका मैं दूसरा एक पहलू भी देख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं है, लेकिन वैसा भी विरोध नहीं है जैसा पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इसका कारण क्या है? और ये जो बिल है, इस बिल को आप अपने महकमे के जरिए जोड़कर अगर देखें तो उसमें क्या वाकई कुछ आप लोगों ने ऐसा अचीवमेंट किया इस वजह से यहाँ का किसान बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर रहा है? क्योंकि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष से मैंने पूछा, धनखड़ साहब से आपकी पार्टी के, जो कि राष्ट्रीय कन्वीनर भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री भी पहले थे, उनका कहना था हम समझा नहीं पाए। मैंने कहा आपकी पार्टी तो समझाती सबसे पहले, काम बात में होता है, वो कहने इस बार चूक गए। तो यहाँ पर क्या आप लोगों ने समझा लिया था, और उसमें आपका महकमा कैसे योगदान कर रहा था ताकि लग रहा है कि किसान उतना ज्यादा विरोध नहीं कर रहा या कर रहा है? पंजाब की तो मैं एक बात बता रहा हूँ, एक मोटी बात है, जो पहली व्यवस्था है जी, उस व्यवस्था को बिल्कुल टच नहीं किया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और ये जो नया बिल आया है इसमें केवल एडिशन किया गया है, एक किसान अपने माल को कहीं भी बेच दे, एक बात। दूसरी बात, जितनी भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को यदि आप देखेंगे एग्रीकल्चर की दृष्टि से, जहां बड़ी खेती की जा रही है वही देश फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी खेती वाला कभी स्ट्रांग नहीं हो पाता है। इसलिए ये दोनों बिल आए हैं। जहां तक पंजाब का पर्टिकुलर, उसका भी जवाब मैं आपको दे रहा हूं, बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊंगा मैं जी जी। पंजाब का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पंजाब की मंडियों में जो आड़तियाँ हैं उनके द्वारा सरकार की खरीद होती है, ठीक है, और कम से कम 4-6 हजार करोड़ रुपया उन्हें मंडी टैक्स के रूप में वहां से मिलता है जी, पंजाब की सरकार को। ये मुख्य कारण उनका विरोध करने का है। दूसरे नंबर यह है, आज वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उन्होंने एक विरोध का, चूंकि वहाँ का किसान संपन्न है, वो जब वहाँ का किसान जब विरोध करता है, देखिए ये आड़तियाँ हमारे इतने तेज हैं, इनके पास जब कोई पैसा छोड़ देता है किसान, ये किसी को ब्याज नहीं देते, कोई इंटरेस्ट नहीं देते, तो और यदि एक एक मिनट सुन ले मेरी, और जब ये किसी को पैसा देते हैं तो उसका इंटरेस्ट लेते हैं।
यही आड़तियाओं ने इन किसानों को गुमराह किया है। मतलब हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा देना पड़ गया। वो तो इसलिए देना पड़ गया कि जब पंजाब में वो उठ गया पूरी तरह से, तो उन्हें अपना खतरा दिखाई दिया। एक मैं भाई मॉब के खिलाफ सच्चाई पर चलना, देखिए मैं आज एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको जी। जिस समय पंजाब में आतंकवाद पूरे जोरों पर था और गोल्डन टेम्पल में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की कि वहां पुलिस भेजी जाए, मिलिट्री भेजी जाए जी, उस समय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने जयपुर के हवाई अड्डे पर बयान दिया था कि इंदिरा गांधी को गोल्डन टेम्पल में पुलिस भेजनी चाहिए और उसकी तलाशी लेनी चाहिए। पूरा देश हतप्रभ रह गया। चौधरी साहब ने क्या कह दिया, कौन सिखों का विरोध मोल लेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सच्चाई कहने में बड़ी जोर पड़ता है। तो इस सच्चाई बदल क्यों ये सच्चाई इसलिए बदल जाती है, बहुमत के सामने बदल जाती है। आप समझे नहीं सर, ये सच्चाई आपकी पार्टी में ही क्यों बदल जाती है। बहुत पुराना गठबंधन टूट गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं आड़तिया चालाक है। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कही मैंने, पंजाब की बात, मैंने पंजाब की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ क्या स्थिति है? हरियाणा में आपकी पार्टी कहती है आड़तिया हमारे भाई हैं, वो भी सही कह रहे हैं, किसान भी सही कह रहे हैं। एक बात बताइए, हम भी कह रहे हैं, लेकिन वहां उन लोगों ने, चूंकि वो सरकार कांग्रेस की है, वहां उन लोगों ने आड़तियाओं के थ्रू हरियाणा में तो आपको बरगलाया है। हरियाणा में तो हरियाणा में कोई आंदोलन नाम मात्र का है, हरियाणा में कोई आंदोलन थोड़ा ही है। वहां के आड़तिया भाई हैं, चालाक नहीं है। चालाक की बात मैंने नहीं कही भाई, मैंने ये कहा कि आंदोलन में वहां के आड़तियाओं का बहुत बड़ा योगदान सरकार ने ले लिया है पंजाब और पंजाब में, चूंकि पंजाब की सरकार की वो आमदनी होती है जी। मैंने आपसे ये बात कही, केवल पहली व्यवस्था को तो टच ही नहीं किया गया। ठीक है। तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है, ना मंडी खत्म होंगी। उत्तर प्रदेश पर फिर से मैं लौटता हूं। देखिए, इस सवाल को इसीलिए मैंने पूछा था, उत्तर प्रदेश में किसानी का पैटर्न अलग है, पंजाब के विपरीत बिल्कुल है। ठीक है। और यहां पर जो विरोध है वो विरोध तो था, लेकिन उस स्तर का नहीं था। ये व्यवहारिक तौर पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम भी देख रहे हैं, विरोध है लेकिन उस स्तर का नहीं है। अब इसमें आप लोगों ने आगे क्या तैयारी की है, क्योंकि राजनीतिक लोगों ने अभी से एजेंडा तय कर लिया है, आंदोलन हो वाले समय में हमें इस मुद्दे को कैसे उठाना है। चौधरी समाजवादी पार्टी लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, और बिहार के चुनाव में तो यहां तक कह दिया गया कि जमीन चली जाएगी, मालिकाना हक जाने वाला है, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठा दिया है। तो उत्तर प्रदेश में 22 से पहले ये मुद्दा न बन जाए कम से कम, और किसान का वाकई लाभ हो। हाँ, आपने लोकदल के आंदोलन का जिक्र किया जी, वो आंदोलन किसान आंदोलन से तो उसका कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, उसको कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है उन्हें तो, एक कहीं जैसे लाठी चार्ज हुआ, उस लाठी चार्ज के विरोध में उन्होंने महापंचायत वहां की मुजफ्फरनगर में जी जी। वही मथुरा में की, इसलिए उसका किसान आंदोलन से तो कोई लेना देना मतलब नहीं है ना, कोई लेना देना ही नहीं। किसान आंदोलन का नाम भी नहीं है उसमें, उसमें किसान आंदोलन आक्रोश किसान है उसमें बेचारे, आक्रोश जन रैली उसका नाम है, आक्रोश जन रैली। तो आक्रोश इस बात का है कि वहां डंडा पड़ गया। अब ये तो आप जान रहे हैं कि इस देश में जनता पार्टी के जमाने में भी रामकोला में किसानों पे गोलियां चल गई थी। जी जी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत चर्चित घटना है शायद रामकोला वाली। अब आपको इंदिरा जी वहां हाथी पे चढ़ के गई थी उस समय रामकोला में। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा खैर, लेकिन उसका किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं। उनका जो आंदोलन है वो तो ये है कि जब कहीं ना कहीं छटपटा उनको लाठी क्यों चलवाई बीजेपी ने, आपकी सरकार ने, यही सवाल है उनका है? और आप हाथरस पे कुछ कहना नहीं चाहते, हाथरस में तो पीड़िता से ही तो मिलने गए थे वो। अब देखिए उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था। सीबीआई को जांच चली गई तो मिलने के लिए क्या झंडे लिए जाते हैं? आपने राहुल गांधी मिलने के लिए, आपने राहुल गांधी प्रियंका गांधी को मना नहीं किया, आपने उनका 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाने दिया, और ये चले गए बेचारे अकेले चले गए, 2-3 लोग नहीं होते तो बड़ा मार ना, 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 बड़ा मार खाते हैं। अकेले नहीं है, आप लोगों ने कसर कोई छोड़ी नहीं थी? अकेले नहीं थे, अकेले नहीं। अरे मतलब 10 लोग थे, अगर 10 नहीं होते तो इन लोगों को तो एकदम आप लोगों ने। मैं आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ तो क्या डंडे झंडे लेके हुआ हूँ? किसी के दुख दर्द में कोई आदमी जाता है डंडे झंडे लेके जाता। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल अब आपसे, यहाँ पर कंक्लूड करेंगे इसको हम। आपका महकमा, उस पर आप काम कर रहे हैं, कमियां रह जाती हैं उसको आपकी बेबाकी है कि आप ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, और फिर सरकार को भी किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहां कहां पर काम कर रही है।
अब यहां पर जो समय बचा है उसमें आप लोगों ने अब नई क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं? मुख्यमंत्री के साथ आप लोगों की जब बातचीत होती होगी तो फिर नए सिरे से कैसे खड़ा करना है स्ट्रक्चर को, आपका महकमा हो, बहुत सारे महकमे हो, और चूंकि अब चुनावी साल शुरू होने वाले हैं धीरे धीरे, तो नई चुनौतियां पॉलिटिकल भी होंगी, तो एक वो लड़ाई आपकी पार्टी लड़ेगी, सरकार को अपने काम के जरिए जवाब देना है। देखिए, चूंकि आपने ये एक ऐसा विस्तृत सवाल कर दिया है जिसका मुझे विभिन्न दृष्टिकोणों से जवाब देना होगा। जी, यदि सरकार को चुनाव में हमें जाना है, यदि क्या जाना ही है जी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर आता है, लॉ एंड ऑर्डर सबके सामने है। एक आज पूरे देश में देखिए, आप लोग मुझे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी सवाल कर सकते हैं, हाथरस का भी और भी लेकिन यदि आप कहीं बगैर परिचय बिना हम लोग पहली प्रायोरिटी हमारी गाय गोरी और गीता यही वाला है, बगैर परिचय के आप कहीं चले जाएं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हम कुंभ में स्नान करके आ रहे थे तो हम बिल्कुल बीच कुंभ में थे, किसी मेरे साथ एक भी सिक्योरिटी नहीं थी, हम थे, हम आ रहे तो वहां कुछ लोग जो स्नान करके निकले तो शाही सवारी निकल रही थी, तो एक आदमी ने कहा अब लगता है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा भैया अभी क्यों लग रहा है, पहले क्यों नहीं लगा? कहने लगे नहीं, इसलिए लग रहा है कि हेलीकॉप्टर फूल बरसा रहा है, और अभी ही हम लोग वहां से गए। एक दूसरा तड़ाक से बोला आप यूपी के ही रहने वाले हैं? मैंने कहा हाँ। बोले ये कांग्रेस का महामंत्री भी है प्रदेश का। तो उसने तड़ाक से क्या कहा, उसने कहा कि देखिए ये सब मोदी जी की देन है जो कांग्रेस के महामंत्री थे। मैंने कि भैया फूल तो उत्तर प्रदेश में बरस रहे हैं, जरा योगी जी का भी नाम ले दे। कहने लगे योगी का नाम तो नहीं लेंगे हम, ये मोदी जी की देन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर की बात है। आज कहीं प्रदेश से बाहर भी चले जाते हैं, वहां की जनता भी हमसे ये कहती है यार कम से कम योगी जी को 6 महीने के लिए हमारे प्रदेश में ही भेज दो। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति योगी जी ने संभाली, जिससे ये साबित हो रहा है कि जितने भी दुनिया के और देश के उद्योगपति हैं वो उद्योग लगाना उत्साहते हैं। मतलब कि जब देश की मांग बन रहे हैं आप ही कहें। मैं एक उदाहरण दिया भाई, दूसरे प्रदेशों की भी जिम्मेदारी चाहते हैं भाई मंत्री, पुनः संकट में मत डालिए जहां है ना। ये मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जी, जहां विकास की बात है आप देख रहे हैं किसी ही सरकार में यदि एक एक्सप्रेस वे बन गया तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। आदरणीय योगी जी ने चारों तरफ एक्सप्रेस वे के तमाम पूर्वांचल हो, चाहे आपका ये बलिया एक्सप्रेस बलिया एक्सप्रेस वे हो और उसके मेरठ से वहाँ पूरा गंगा तक जा रही हो, गंगा तक जा रही है और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये तमाम बन रहे हैं। और जितने किसी भी देश में जितना एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो ही एक प्रगति के द्योतक भी हैं। तो इस संबंध में, प्रगति के संबंध में मैं यही कहूँगा। दूसरे नंबर ये है, एक जहाँ MSP की और उसकी बात चल रही थी, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं जी। एक अन्य सरकारें, पूर्ववर्ती सरकारें कभी 15 लाख मीट्रिक टन, 20 लाख मीट्रिक टन धान, इससे ज़्यादा कभी किसी ने नहीं खरीदा जी। हमारी सरकार ने इस कोरोना खंड काल में भी 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं अब के भी खरीदा, पिछली बार 46 लाख मीट्रिक टन खरीदा, बिल्कुल बिल्कुल, और उससे पहले 54 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदा था। तो इसलिए हम किसान को भी पूरा पूरा लाभ देते हैं। सरकार बनते ही वायदा पूरा किया, कर्ज माफी का वायदा पूरा किया, इसके बाद MSP के द्वारा किसान को पूरा भाव दिलाने का काम किया। इस कोरोना खंड काल में भी पूरे देश में अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसने एक गन्ना भी खड़ा नहीं रहने दिया, आखिरी क्षण तक सारी शुगर फैक्ट्री चली, किसान को भी पूरा लाभ हमने पहुंचाया है। जहां रोजगार की बात है, हमने कोशिश की है, चाहे टीचर्स की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, कोई व्यक्ति, ये तमाम घोटाले हुआ करते थे, कहते थे लोग एक वो चिपक जाती है लिस्ट, फिर सुबह दूसरी चिपक जाती है, फिर तीसरी चिपक जाती है, फिर टेलीफोन आते हैं ये लेना नहीं है, ये फिजिकल में फेल होना है। 3 साल में, 3.5 साल में
किसी भी भर्ती के प्रति कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा पाया जी। ये इस बात की निशानी है। शिक्षा के मामले में लोग घर कापी ले जाया करते थे नकल करने के लिए, आज कहीं कोई नकल नहीं, किसी प्रकार की नकल विहीन शिक्षा हो रही है जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अब वाकई राम राज्य जो है वो आ गया है। देखिए, राम राज्य की तरफ कई कदम हम आगे बढ़े हैं, अब कई कदम आगे बढ़ गए हैं तो आएगा भी। ठीक है, चलिए मंत्री जी, बहुत बहुत आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं, साधुवाद हो चुके। लेकिन एक एक, एक आखिरी बात ये कह रहे, आपने कहा कि अड़तिया जो है वो किसानों पैसा जमा कर लेते हैं तो वो सूद नहीं देते हैं, वो पंजाब में सिर्फ पंजाब के बारे में कहा, वो तो कहीं भी हो सकता होगा, यहां पंजाब के बारे में यहां नहीं होता। आप पंजाब के बारे में आपने बात कही थी, नहीं तो मैं कह रहा हूं यहां है उन लोग को, किसानों को सूद दिलवा दीजिए अड़तियों से। देखिए, वो सवाल केवल पंजाब के बारे में। ठीक है, वो बहुत बहुत धन्यवाद, यानी आपके लिए अब चुनौती भाई झिंगा मछली भी तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कहना है कि हाँ अगली बार सरकार भी आपकी होगी और किसान का भला भी होगा आप लोगों के, और गाय गोबर और गोमूत्र ये तीनों बेचते भी रहेंगे ये, है ना। देखिए, पिछली बार 325 आए थे जी, अब के राम मंदिर की कृपा और हमारे ऊपर है राम जी की, अब के 350 से ऊपर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बीच में ऐसा रावण ना आ जाए। अरविंद जी, दो मिनट के लिए मंत्री जी को या मंच पर रोकना चाहूंगी, हमारे प्रायोजकों को ये सम्मानित करें। देव कंस्ट्रक्शन की तरफ से अतुल तिवारी जी हमारे साथ हैं, मंच पर आइए सर, जोरदार तालियां एक बार अतुल तिवारी जी के लिए। पीयूष शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जन संदेश के संपादक हैं सर, आप भी मंच पर आइए। जोरदार तालियां एक बार पीयूष शर्मा जी के लिए।